वंदे भारत ट्रेन की दुनिया में डिमांड। यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया में एक्सपोर्ट होगी वंदे भारत। कम कीमत, ज्यादा स्पीड, लग्जरी और सेफ्टी के मामले में वंदे भारत अव्वल। 2019 में पहली बार भारतीय पटरियों पर दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि भारतीय रेलवे साल 2025 से 26 तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाजारों में वंदे भारत ट्रेनों को निर्यात करेगा। ट्रेनों के निर्यात के लिए अगले 2-3 सालों में प्लान तैयार किया जाएगा। रेलवे अगले 3 सालों में 475 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करने की राह पर है और एक बार उनका सफलतापूर्वक संचालन होने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस को इंटरनेशनल मार्केट में उतारा जाएगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेनें सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है। इन ट्रेनों में यात्रियों को किसी तरह का कोई झटका नहीं लगता और शोर का स्तर विमान के मुकाबले 100 गुना कम है। बेहतर स्पीड, सेफ्टी और सर्विस के लिए वंदे भारत अब रेलवे की पहचान बन चुकी है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि कई देशों ने वंदे भारत ट्रेन में दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें कई यूरोपीय, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया के देश शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वंदे भारत में ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण इसकी डिमांड बढ़ गई है। अमूमन हर कोई सोचता है कि उसके देश में बुलेट ट्रेन दौड़े, लेकिन वंदे भारत ट्रेन सेफ्टी, स्पीड, कम्फर्ट और कॉस्ट समेत कई पैमानों पर दूसरी ट्रेनों से आगे है। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए अलग से ट्रैक नहीं बिछाना पड़ता है। वंदे भारत स्टैंडर्ड गैस पर 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। रेलवे जल्द ही स्लीपर कोच वाली वंदे भारत को भी लॉन्च करने वाला है। इसके बाद तो वंदे भारत कई रिकॉर्ड तोड़ देगी। वंदे भारत ने 2019 में अपना सफर शुरू किया था। पहली ट्रेन वाराणसी नई दिल्ली के बीच चली थी। नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच 2022 में शुरू हुई थी। चौथी ट्रेन दिल्ली से हिमाचल के ऊना के बीच शुरू हुई थी और पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु, मसूर रूट पर शुरू हुई। अभी देश में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है, इसमें से 2 पुरानी पीढ़ी की और 3 नई पीढ़ी की है। वंदे भारत ने बीते दिनों पिकअप के मामले में बुलेट ट्रेन को पछाड़कर दुनिया भर में सनसनी फैला दी थी। स्पीड एक्सेलरेशन यानी कि 0 से 100 तक की स्पीड वंदे भारत ने महज 52 सेकंड में पकड़ ली। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बुलेट ट्रेन 100 की स्पीड तक पहुंचने के लिए 54.6 सेकंड का समय लेती है। उसके बाद अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी और ग्लास में पानी रखा था। इस तकनीक वाली ट्रेन दुनिया के चुनिंदा देशों के पास है। वंदे भारत ट्रेन में वाईफाई, कंटेंट ऑन डिमांड की सुविधा भी दी गई है। 24 इंच के बजाय हर डिब्बे में 32 इंच की स्क्रीन लगाई गई है, जो यात्रियों को सूचना और इंफोटेनमेंट प्रदान करती है। इसके साथ ही यात्रियों को हर बोगी में साइड रिक्लाइनर सीट की भी सुविधा दी गई है। वहीं एग्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीटों को लगाया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बेहतरीन विमान जैसी यात्रा का अनुभव प्रदान करती है। यह ट्रेन उन्नत, अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच भी शामिल है। इतनी ज्यादा खूबियों वाली वंदे भारत ट्रेन को रेलवे जिस कॉस्ट में बनाता है वो किसी और देश के लिए नामुमकिन है, और इसी कारण दुनिया के कई देश अपनी पटरियों पर वंदे भारत जैसी ट्रेन दौड़ाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।